तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास आ गई है अपनी न्यू ब्रेजा, जो कि अपने एमपी से आई है बेसिकली गाड़ी अपनी। और यहाँ पे फिर से अपने आरबी का डेकोर पे गाड़ी आ चुकी है एक और बार। तो यहाँ पे इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने वाली है, तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन इस गाड़ी के अंदर की गई है और टोटल बेस टू टॉप का काम किया गया गाड़ी के अंदर, लग्जरी सा काम पूरा किया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बस वीडियो एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को और पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज हमारे चैनल पर मिलती है। और गाड़ी आप देख लो एमपी से आई है बेसिकली अपनी, देखो बहुत दूर दूर से अपनी गाड़ी यहाँ पे आती है, आपका प्यार है सारा कुछ अपना, तो इसलिए गाड़ी यहाँ पे आती है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपको वन बाय वन करके मैं दिखाता हूँ ऐसे ऐसे इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल की गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। मैं इसके अंदर बात करूँ तो यहाँ पे हमने इसके अंदर हेडलाइट के अंदर अपने एलईडी इंस्टॉल की हमने, जो कि बहुत अच्छी आपको इसके अंदर ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। प्लस नीचे हमने फॉग लाइट लगा दी इसकी, जो कि आप देख लो इसके अंदर भी एलईडी इंस्टॉल की गई अपनी प्रॉपर तरीके से। और ये अपनी जो फ्रंट का लुक है, उस तरह का आपको लुक देखने को मिलता है। यहाँ पे इसके ग्रिल पे जो अपना क्रोम आता है वो हमने यहाँ पे लगा दिया, फुल क्रोम के अंदर रहता है ये भी अपना, तो ये भी हमने इंस्टॉल कर दिया है प्रॉपर अपना मारुति जेनवन का अपना। और साइड बेस की बात करूँ मैं, यहाँ पे साइड बेस के अंदर इसके अंदर डोर वाइजर लगाए गए हैं, जो कि आपको क्रोम फिनिशिंग के अंदर देखने को मिल जाते हैं प्रॉपर अपने। और नीचे इसकी विंडो गार्निश लगा दी गई है प्रॉपर अपनी, जो कि आप देख लो फुल क्रोम के अंदर दिखती है ये भी आपको। और सिक्स पीसेस वाली होती है बेसिकली अपनी, तीन उस तरफ लग जाती है अपनी। नीचे इसके डोर गार्ड लगा दिए गए हैं, जो कि आप चेकआउट कर लो। प्लस इसकी साइड विंडिंग भी लगा दी हमने, जो कि मारुति जेनवन आने वाली है अपना माउंटेन के, अपने जो बैजिंग है इससे आप पहचान सकते हो। नीचे आपको क्रोम मिल जाती है प्रॉपर। और अंदर की तरफ मैं एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमने अंदर की तरफ इसके अंदर मॉडिफिकेशन की है। यहाँ इसका पूरा लेदर डैटिक वर्क जो होता है वो हमने इसके अंदर कर दिया है, जो कि आप चेकआउट कर लो। ये भी आपको प्रॉपर अंदर इंटीरियर के साथ देखने मिल जाता है ब्राउन कलर के। एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल की गई है इसके अंदर, जो ये भी आप चेकआउट कर लो। इसका लुक जो है बहुत ही प्रीमियम आ जाता है यहाँ पे, तो मैं एक बार आपको जला के भी दिखा दूंगा। प्लस इसके इनर हैंडल्स भी चेंज कर दिए गए, जो कि आप देख लो हैंडल्स जो होते हैं अपने वो हमने यहाँ पे लगा दिए अपनी गाड़ी के अंदर। बाकी इसके अंदर पे स्पीकर वगैरह भी लगाए गए थे, ये इसकी टूटर की जो प्लेसमेंट है यहाँ पे की गई है। बाकी स्पीकर्स इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई हैं। और यहाँ इसके GFX वाले मैट लगा दिए हमने। प्लस यहाँ पे इसकी वेलकम लाइट लगा दी हमने ब्लू कलर के अंदर, जो कि आपको जलती हुई दिखती है अपनी ये। एंड बाकी इसके अंदर अपनी जो अपना आगे का जो अपना पूरा डैशबोर्ड पैनल होता है अपना, वो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया पूरा अपना वुडन फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया हमने, जिसकी लुक जो है बहुत ही प्रीमियम लुक देखने को मिल जाती है आपको इसके अंदर। और यहाँ पे हमने इसके 160 वाट की लाइट इंस्टॉल की थी हमने, जो कि आप देख लो। और नीचे की आप ब्राइटनेस देख सकते हो हेडलाइट की अपनी, अभी मैं बंद कर देता हूँ नहीं तो बैटरी डाउन हो जाएगी गाड़ी की अपनी। बाकी आप देखना चाहोगे तो ये हमने जो क्रोम वाला अपना जी होता है ऊपर का मुट्ठा, ये भी हमने लगा दिया है। और बाकी आप देख लो स्टीयरिंग भी अपना लगा दिया पूरा, इसके ऊपर हमने रैप भी कर दिया यहाँ पे, ये भी देख लो आप। स्टीयरिंग नहीं मतलब इसके अंदर माउंटेड कंट्रोल्स लगाए गए अपने, ये देख लो आप कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस तरह के आपको वर्किंग वाले। और एंड्रॉयड इसके अंदर वही वाला रहने वाला जो कंपनी से अपना लगाता है बेसिकली। और ये अपना वैसे वो VXI वाला वेरियंट था, क्योंकि देख लो अभी सब अपना लगाया जाता है एंड्रॉयड वगैरह। सीट कवर्स वगैरह इसके अंदर नहीं लगाए गए हैं, जो कंपनी से आते हैं वही रहने वाले हैं। नीचे की तरफ इसके अंदर मैट इंस्टॉल की गई है, जो कि आप देख लो वाटरप्रूफ वाली मैट रहने वाली अपनी है। और प्रॉपर इसको काटा पट्टी के साथ नहीं लगाई जाती, प्रॉपर इसको बढ़िया से पीछे तक लगा दी जाती है। और ये देख लो अपने डैशबोर्ड भी आपको एम्बिएंट लाइट देखने को जो है मिल जाती है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी आपको इसके अंदर लुक वगैरह जो है देखने को मिल जाता है अपना। और ये जो पैनल है अपना ये पूरा अपना उधर तक लगता है अपना वुडन फिनिशिंग के अंदर में, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके अंदर अपने स्पीकर भी लगाए गए थे अपने, जो कि JBL के रहने वाले अपने, बहुत अच्छे ब्रांड के अपने रहते हैं स्पीकर, आप सर्च करके भी देख सकते हो। आगे अपने कंपोनेंट लगाए गए, पीछे अपने कोएक्सियल स्पीकर लगाए गए बेसिकली। तो एक बार मैं आपको एम्बिएंट लाइटिंग अपनी जला के दिखाता हूँ, बाकी पीछे चलते हैं। एक बार पीछे मैं बात करूँ तो पीछे की तरफ इसके अंदर हमने जो काम किया है वो रहने वाला है इसका रिफ्लेक्टर लाइट, जो कि आपको फुल मैट्रिक्स फॉर्म में देखने को मिल जाती है। नीचे का हमने इसका जो पूरा स्क्रीडिंग आता है वो हमने चेंज कर दिया है यहाँ पे। और ये हमने पीछे का यू लगा दिया, इसको यू कहते हैं एक तरह से। और यहाँ इसका कैमरा भी लगा दिया गया है, जो कि आपको LED कैमरा देखने को मिल जाता है यहाँ पे। पीछे की अपनी जो ब्लैक वाली जो अपनी क्रोम आती है ये भी हमने लगा दी है यहाँ पे। और ऊपर की तरफ इसके रूफ रेल लगा दिए गए, जो कि आपको फुल टेस्टिंग के साथ मिलता है अपना ये। और ऊपर अपना शार्ट की एंटीना भी लग चुका है, तो ये सारा काम जो है इसके अंदर रहने वाला है। एक बार मैं आपको इसकी रिफ्लेक्टर लाइट जला के दिखाता हूँ ऊपर। तो ये इसका इंडिकेटर मोड रहने वाला है, जो कि इंडिकेटर में कुछ इस तरह से लाइट जो है यहाँ पे जलती है। इसके अंदर अपना पार्किंग एंड ब्रेक दोनों पे जलती है बेसिकली लाइट अपनी, जो कि इंडिकेटर भी इसका आपको बहुत अच्छा लुक जो है वहाँ पे देखने मिल जाता है यहाँ पे। इसके अंदर अलॉय व्हील वगैरह भी आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी रहने वाली है। बाकी इसके अंदर अपने कर्टन्स लगा दिए हैं इस तरह के, जो कि आपको धूप वगैरह से बचाते हैं दिन के समय में। तो यहाँ पे इंडिकेटर मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ अपना मारुति जेनवन का अपना आर्मरेस्ट लगा दिए, जो कि आप देख लो प्रॉपर से स्लाइडिंग मोड वाला रहता है अपना आर्मरेस्ट। पीछे अपना रखा हुआ है कंपनी वाला जो आता था पहले, तो इस तरह काम रहने वाला अपना सारे कुछ। तो यहाँ पे आप इसकी अपनी MS लाइट चेकआउट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी आपको लुक देखने को मिल जाती है इसके अंदर अपनी MS लाइट की, जो कि आपको ऑल कलर्स के अंदर देखने को मिल जाती है अपनी है। इसका लुक चेकआउट कर लो आप, डैशबोर्ड वगैरह सब पे अपने लग जाती है बेसिकली अपनी। इसकी लुक जो है बहुत ही प्रीमियम आने वाली है यहाँ पे गाड़ी की अपनी, आप लुक चेकआउट कर सकते हो इसकी।
जो कि बहुत अच्छी आपको लुक देखने में मिल जाती है इसके अंदर। अपने इसकी अपनी प्रीमियम वाली की इंस्टॉल कर दी, जो कि आप चेक करो इसका की का कवर जो होता है अपना, ये आपको मिल जाती है देखने के लिए, बहुत अच्छी की कवर जो होती है अपनी, ये भी आप लगा सकते हो अपनी की के अंदर यहाँ पे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी ब्रीजा यहाँ पे कम्प्लीट कर दी गई है, जो कि भैया हमारे पास काम करवाने आए थे। भैया बेसिकली आपका नाम क्या है? जितेंद्र सिंह यादव। ओके, वैसे आप कहाँ से आए थे भैया? एमपी ग्वालियर। एमपी ग्वालियर, कितनी देर हुई स्टोर पे आपको? 12 बजे आए थे सुबह। अच्छा, मतलब 3-4 घंटे लग गए। ओके, तो वैसे आपको पता कैसे चला था भैया कि यहाँ पे काम होता है अपना? मतलब भैया किसी के थ्रू आए थे हम। अच्छा, किसी के रेफरेंस से आए थे भैया। ओके, तो जितना भी काम करवाया आपने अपनी गाड़ी के अंदर, वो काम कैसा लगा मतलब आपको? बहुत बढ़िया। कहीं अपनी वायर वगैरह तो कहीं कट नहीं हुई ना? नहीं नहीं। अच्छा, पूरा प्लग एंड प्ले का सिस्टम है ना? ओके, किसी के लिए सजेशन है, कोई आ सकता है यहाँ पे काम करवाने? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आए भैया के आए। ओके, और कितने रेटिंग स्टार देना चाहोगे आप इनके काम पे? स्टार्टिंग के देखने के 5/5 या फिर 10/10? 10/10। अच्छा, 10/10 दोगे। ओके, थैंक यू भैया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।